भुजा बेचते हैं? भुजा बेचते हैं जी सर। देखिए यहाँ के लोगों का दर्द है, ये वैशाली लोकसभा क्षेत्र है, भावुक हो गए भैया, ये कहते कहते कि हमारा उम्र 35 साल हो गया और हम लोग तब से ऐसे ही रह रहे हैं, ये स्थिति है। नहीं, आप क्या देखें जी? आप हम तो देख रहे हैं, प्रत्यक्ष है, जनता देख रही है, हो गया। लोग जो बता रहे थे अब घुमा घुमा के दिखा रहे हैं पूरा। ये घर है जी, दिखाइए, देखिए ये घर है, इसमें लोग रहने को मजबूर है। देखिए ये घर है, ये दीवार है, इधर देखिए, इधर इधर दिखाइए जरा, देखिए इसमें लोग कैसे रहते हैं, कितना हाइट है, इसमें आप ठीक से खड़ा नहीं हो सकते हैं। ये इधर दिखाइए जरा, इधर दिखाइए, देखिए लोग इसमें रहने को मजबूर हैं। देखिए घर के मेंबर से कुछ लीजिए, क्या घर चला, कितना उम्र हो गया आपका? मेरा जी 35। 35 साल हो गया जी सर, तब से आप ऐसे ही रह रहे हैं, क्या करे? आप जो नेता विधायक मंत्री चुनते हैं सब लेके वोट लेके अपना घर रहता है जी, वोट लेके अपना घर रहता है, ये स्थिति है। आप लोगों का हालत कैसे सुधरेगा? क्या सुधरेगा, कमाते खाते हैं, क्या सुधारेगा? सुधारने जात के नाम पर वोट करते हैं, वोट तो देखिए वोट नहीं, क्या कह रहे हैं, वोटिंग जो है ना, वोटी जाति पर पर्चा वोटिंग नहीं होता है जी, पहचान वोटिंग होता है ना, अपना मन का मतदान होता है जी, जो इच्छा अपना पाया क्या करते, क्या कर, भुजा बेचते हैं? भुजा बेचते जी सर। देखिए यहाँ के लोगों का दर्द है, ये वैशाली लोकसभा क्षेत्र है, भावुक हो गए भैया, ये कहते कहते कि हमारा उम्र 35 साल हो गया और हम लोग तब से ऐसे ही रह रहे हैं, ये स्थिति है। नहीं, आप क्या देखें जी? आप हम तो देख रहे हैं, प्रत्यक्ष है, जनता देख रही है, हो गया। चलिए क्षेत्र में नहीं आता, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में आता, उसको बोलिए क्या पारू विधानसभा है, वैशाली में नहीं आता। अरे वैशाली लोकसभा क्षेत्र है, आप मुजफ्फरपुर जब तक नहीं बोलेगा जितपुर गाँव का नाम कुछ नहीं होने वाला, वैशाली ये लोकसभा क्षेत्र वैशाली है, ठीक है। यहाँ के जो लोग हैं वो हम तो बार बार कह रहे हैं कि मुजफ्फरपुर जिला का पारू विधानसभा क्षेत्र है, आपको बता दें, जब ये लोग इतना बोल रहे हैं तो हम बता देते हैं कि वैशाली लोकसभा का नाम वैशाली है, लेकिन इसमें 5 विधानसभा जो हैं वो मुजफ्फरपुर जिला से लिया गया है, और ये मुजफ्फरपुर जिला का ही विधानसभा पारू है, और ये वैशाली लोकसभा, यहाँ के लोगों का घर दिखा रहे हैं। अरे घर तो देख रहे हैं, हम देख लिए हैं, सब लोगों के घर का हालत वही है। देखिए और भी घर है, हम आपको दिखाते हैं, देखिए ये हालत है, ये घर है, ये घर है, देख लीजिए जरा, दिखाइए ये घरों की हालत है, और भी आगे घर है, देखिए, और घर से देखिए कैसे लोग कैसे जाएगा, सो देखिए ये रास्ता है, ये रास्ता है, पानी निकलने का कोई साधन नहीं है, ये विकास हुआ है। देखिए अभी भी किसी तरह से लोग किसी तरह से अपना हालत पर रहने को मजबूर हैं, इसका जिम्मेवार कौन है? देखिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, आइए सर देखिए, किसी का पैखाना नहीं मिला है, देखिए इधर दिखाइए जरा, वो वाला दिखा दीजिए, सब घूस वाला बाबा, वो वाला देखिए, ऐसा ऐसा काम हुआ है कि फोटो खिंचवा करके वो पैसा उठा भी लिया जी, तो इसके लिए तो आपके स्थानीय प्रतिनिधि जिम्मेवार है, फिर घर से बैक होंगे जी जी। देखिए गरीब का घर, देखिए बूढ़ा, ये बूढ़ा है, बहुत दिन का एक ही बूढ़ा टोला में बचा हुआ है, जरा बूढ़ा से पूछ लीजिए। देखिए ये हालत है, स्मार्ट मीटर लग गया है, लेकिन घर का देखिए ये दीवार है, ऐसा घर में रहने को लोग मजबूर हैं, कहते हैं कि स्थिति बदल गया। अरे भैया कौन करेगा हमारा काम, किसके यहाँ जाएंगे हम? खाली वोट देने के हकदार हैं हम, सिर्फ वोट देंगे, हमारा काम कौन करेगा? देखिए ये घर है, इस तरह से लोग, बारिश होगा तो ये लोग कैसे रहेंगे? झपास जब चलेगा, झपास कहते हैं देहात में, कैसे रहेगा लोग? देख लीजिए इनका हालत कौन बदलेगा, तनी आइए ना, तनी देखना लीजिए, तनी देख लीजिए, आइए सर। देखिए ये मिट्टी का घर, देखिए इस तरह से लोग रहेंगे, ये मिट्टी का घर आपको विरल देखने को मिलेगा। देखिए सर ये घरों की हालत है, ये मिट्टी के घर में लोग आज भी रह रहे हैं, आज 2024 है, 2024 में देखिए लोग ये मिट्टी के घरों में रहने को मजबूर है, बताइए लड़का सब ढकने का डर, इसमें कैसे रहेगा? चलिए और दिखाते हैं आपको, यहाँ जब हम आए तो यहाँ जो ग्रामीण है वो घुमा घुमा करके टोला में कह रहे हैं कि चलिए आप पहले देख लीजिए। हम कई बार इन चीज़ों के बारे में चर्चा कर रहे थे लोगों से, लेकिन देखिए लगातार हमको दिखा रहे हैं कि देखिए ये हालत है। चलिए हम आपको यार आपको घरों का हालत दिखा रहे हैं, देखिए ऐसे घरों में रहने को मजबूर है। देखिए यहाँ घर घर में बुला रहे हैं, अंदर बुला रहे हैं, आइए अंदर आइए, दिखाते हैं, देखिए ये हालत है, ऐसा घर है,
देखिए ये घर है, ये घरों की हालत है, देखिए। अच्छा ये चाची जो है, देखिए यहाँ सिलेंडर यहाँ पे रखा हो, इधर आइए, इधर आइए, दिखाइए। देखिए ये मोदी जी के उज्ज्वला योजना वाला सिलेंडर जो है वो यहाँ पे रखा हुआ है, ये रेगुलेटर नहीं है इसमें लगा हुआ, देखिए रेगुलेटर नीचे है। ये गैस है इसमें कि खाली है? कहाँ गए चाची? खाली है, खाली है, खाली है। देखिए इसमें इधर आ जाइए, इधर आइए जरा, इधर आइए। देखिए खाना यहाँ बनता है, लोगों का खाना भी जैसे तैसे पड़ा है, बताइए ऐसे में इनका हालत जो है, इनके सुरक्षा का ध्यान कौन रखेगा, इनके स्वास्थ्य का ध्यान कौन रखेगा? हमारी चुनी हुई सरकारें क्या कर रही है इनके लिए? गैस सिलेंडर है भराने के लिए, कह रहे हैं कि पैसा नहीं है। ये स्थिति है यहाँ, देखिए दिखाई चूल्हा पे खाना बन रहा है, अंदर में भी है, देखिए बच्चे कह रहे हैं कि चलिए उसमें देख लीजिए। तो ये हालत है यहाँ की, कितना दिखाए हम आपको, कितना दिखाए यहाँ के लोग, एक एक घर घुमा रहे हैं।